ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना कि देशभक्ति क्या है, उसके बाद शिक्षा आती है। शिक्षा बहुत जरूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ अगर देशभक्ति जुड़ जाए तो उससे बड़ा कोई पार्क, उससे बड़ी कोई प्रार्थना, उससे बड़ा कोई मंदिर, उससे बड़ा कोई गुरुद्वारा नहीं है अगर देशभक्तियों की भावना बच्चों के अंदर पैदा करें। क्योंकि भारत हमारा अगर मजबूत है तो हमारे सबके धर्म, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, हमारी मस्जिद, हमारे गिरजाघर हर जगह मजबूत है अगर मां मजबूत है। अगर भारत हमारा कमजोर है तो हम पूरे सब लोग कमजोर हैं, हमारी संस्थाएं, हमारे धर्म, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर सब कमजोर हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर जितनी देर तक जज्बा पैदा नहीं होगा उतनी देर तक शिक्षा का कोई मकसद नहीं है। और बच्चों ने अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षा के ऊपर बच्चों को ये बताना होगा कि जब तुम बड़े होगे तेरा मकसद क्या है, तेरी सोच क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब बच्चों को फौज में भेज दो और सब बच्चों को पुलिस में भेज दो। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसका शौक है, तो वो करे। पर वो कल्पना चावला करनाल की तरह, एक लड़की की तरह पूरी दुनिया के अंदर, करनाल का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करे। अगर कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो बने, पर ऐसा साइंटिस्ट बने कि अब्दुल कलाम की तरह हरमन प्यारा बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर हो जाए। कि ऐसा राष्ट्रपति भी हुआ था जो एक बैग लेके राष्ट्रपति भवन में गया था और एक बैग लेके वापस चला गया। ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी है। फिर मकसद है कि ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी सोच है, ये भारत माता की आजादी की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी रक्षा है। नेता अगर बनना है तो नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा बनना है कि जो एक छोटे बच्चे थे, क्लास पढ़ने स्कूल में जाते थे तो अपने बस्ते को सिर के ऊपर बांध के दरिया पार करके पढ़ने के लिए जाते थे, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री बनना है। लालू प्रसाद यादव जैसा नेता नहीं बनना है, ये भी बच्चों को बताना है। नेताओं का आपस में क्या क्या भेद है वो बताना है। अगर बच्चा को नेता बनना चाहता है, बच्चे को ये भी बताना है कि राजा घोटाले वाजता देश को लूट के खा गया, हमने ऐसा नेता नहीं बनना है। तो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा अभी से देनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति की तरफ अगर देखेंगे, राजनीति से देश को नहीं बचा पाएंगे। आजादी से पहले भी राजनीतिक लोग थे, शहीद आजम भगत सिंह राजनीतिक थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजनीतिक थे, चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक थे, महात्मा गांधी राजनीतिक थे, कौन राजनीतिक नहीं था। पर उन राजनीतिक लोगों की सोच थी कि आने वाली जनरेशन के लिए फांसी के रस्तों को हाथ साथ के टूट के, अंग्रेजों की गोलियों को सीने में खाके, लाला लाजपत राय की तरह उनकी अंग्रेजों की लाठियां खाके आने वाली जनरेशन के लिए आजाद भारत छोड़ के जाओ, वो राजनीति थे। तो खाओ घोटाले, करोड़ों रुपया, अरबों रुपये लोगों का खून पसीने का खेल शुरू, और फिर हंसते हुए आते हैं, और जब जेल से रिहा होते हैं बाहर पटाखे भी चलते हैं, जैसे कारगिल का युद्ध जीत के आए हैं। ये राजनीति, वो राजनीतिक कुर्बानी, शहादत। मकसद प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मकसद मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मकसद मंत्री नहीं बनना है, मकसद कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं बनना है, मकसद भारत माता की आजाद कराने के लिए, आने वाली जनरेशन को एक भारत देने, आजाद भारत देने के लिए पांच ही रस्तों को हाथ रखना।